गया के गांधी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रसिद्ध शायर इमरान प्रताप गाड़ी ने कहा कि ये सिर्फ विधायक चुनने की लड़ाई नहीं है, आज एक 31 साल के लड़के ने ये हाल कर दिया है कि नीतीश कुमार कुमलाए लग रहे हैं। तीर ऐसा टूटा है कि लगता है वार नीतीश जी के जिगर के पार हो गया है। ये लड़ाई बड़ी है, ये तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चुनने की लड़ाई है। इस बार न वैक्सीन का जुमला काम आएगा न ईवीएम का। उन्होंने कहा कि हमारे विपक्षियों के पास धन बल सब है, लेकिन जनता जब ठान लेती है तो अच्छे अच्छे तानाशाहों को उखाड़ फेंकता है। अकेले तेजस्वी का पीछा करने के लिए एनडीए ने 20 हेलीकॉप्टर लगा रखे हैं, लेकिन वह भी तेजस्वी का पीछा करने में सफल नहीं हो पा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो तीन है वो सीधे जो है नीतीश जी के जिगर के पार हो गया है। नीतीश जी बिल्कुल कुमलाए कुमलाए घूम रहे हैं। मैं आपसे यही कहने आया हूं मेरे भाई, ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। अगर ये छोटी लड़ाई होती तो मैं आपके बीच में नहीं आता। सितम की हद से गुजर कर तलाश करती है, कोई बला हो मेरा घर तलाश करती है। खुदा के वास्ते शबनम की पेशकश न करो, हमारी प्यास समंदर तलाश करती है। मेरे भाई ये मुख्यमंत्री चुनने की लड़ाई है, ये तेजस्वी यादव को बतौर मुख्यमंत्री चुनने की लड़ाई है। मैं इसलिए आपके बीच में आया हूँ। इसी कल शायद नहीं सभा थी, ये बताया गया ना कि वैक्सीन दी जाएगी। हम तो ये कह रहे साहब इस बार ना वैक्सीन का जुमला काम आएगा ना ईवीएम मशीन का जुमला काम आएगा। इस बार बिहार बदलाव के मूड में है तो है। निर्मला सीतारमन जी कह रही है कि वोट दीजिए तो वैक्सीन देंगे। अरे आप वोट मांग रही हैं कि चुनौती मांग रही हैं? अब तो हालत यह है, कभी कभी डर लगता है कि दिल्ली और पटना की सरकार ये ना कह दे कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो हम ऑक्सीजन का पाइप काट देंगे। ऐसे इस तरह से वोट मांगा जा रहा है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ, ये लड़ाई बहुत बड़ी है, इस लड़ाई में साथ आइए। मोहन भाई बड़े प्यारे हैं, नवरात्रि चल रही है, मोहन नाम जो है वो बहुत प्यारा और बहुत दैवीय नाम है, और इन्होंने यहाँ काम भी बहुत अच्छा किया है। मैंने सुना है कि डिप्टी मेयर रहते हुए इन्होंने विकास के जो काम किए हैं, सोचिए अगर ये विधायक बन गए और सरकार बनी तो मंत्री बन गए तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद किस तरह से विकास का काम किया जाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जब ईवीएम की बटन दबाने के लिए कतार में लगिएगा तो ये जहन में रखिएगा। एक नज्म आपको सुनाता हूं, नहीं सुनाऊंगा तो आप कहेंगे कि आप आनंद आनंद में आए और निकल गए, आपने कुछ सुनाया नहीं। दिल्ली की गलती हो या पटना की गलती हो, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मुझे याद है कि जब दिल्ली और गुजरात से और बाकी शहरों से बिहार के लोग जब चल पड़े थे पैदल मीलों मील हजारों मील, पुलिस की लाठियां बरसती थी बीच में, बच्चों को गोद में लेकर के साइकिल चलाते हुए पैदल चल पड़ रहे थे, तो हमारा उत्तर प्रदेश बीच में पड़ता है। हम लोगों को पानी पिलाया करते थे, लोगों से मिला करते थे, उनका दर्द बांटा करते थे। मैं इस वक्त बिहार में खड़ा हूँ, गया और उत्तर प्रदेश और बिहार का जो रिश्ता है, मैं भी अवध क्षेत्र से आता हूँ जो पूर्वांचल के बिल्कुल करीब है। मैं बिहार की आवाम के दर्द को समझते हुए एक नज्म आपको सुनाता हूँ और आपसे चाहता हूँ कि उसी जोश और जुनून के साथ सुने। के हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम, ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम, याद रखेंगे हम, 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 लॉकडाउन के वो जानलेवा करम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम, के अपने माँ बाप घर बार से दूर थे, अपने माँ बाप घर बार से दूर थे, जुर्म ये था बिहारी थे मजदूर थे, मजदूर थे,
को मजबूर थे, दिल में थी बेबसी, आँख आँसू से नम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम, ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे।